पहले अरविंदो की बात थोड़ी कर लेते हैं। ये मंथली चार्ट पे मैंने लगाया है और इस पे बहुत ही जिगजैग पैटर्न इसमें नजर आ रहा है। हाँ जी, वो थोड़े शॉक्स देता रहता है स्टॉक। कुछ फंडामेंटल कारण न्यूज आते रहते हैं, नेगेटिव ऑब्जर्वेशन आते रहते हैं, कुछ चलता रहता है। जी, लेकिन लेकिन अगर आप अब देखो, क्या ऐसा लग रहा है कि ये मतलब रिवर्सल इसने दे दिया है और ये मूव काफी आगे तक जाएगी? जो महीने बॉटम किया उसी महीने उसने टेक्निकली अपवर्ड बार रिवर्सल का पैटर्न दे दिया इन दैट सेम मंथ। और वो जी महीने डिविडेंड भी हुआ, फिर भी वो टिका रहा। अगर आप देखेंगे तो उसी महीने में, ऑलमोस्ट उसी नेक्स्ट महीने में एमएसईडी ने कुछ 1.5 साल के बाद बाई दिया। स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड जोन में थे, बाहर आ चुका, और आरएसआई ने भी बाई दिया। तो द वे आई सी इट, एक लॉन्गर टर्म बॉटम बन चुका है। और उसके बाद जो आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, एक वेरी क्लियर तेजी के संकेत है। जो जिस हिसाब से मूव हुआ है, इट इज अ वेरी स्मार्ट अप ट्रेंड विच इज गोइंग ऑन। और ये 5 हफ्तों से कॉन्सोलिडेशन में है। इसके बाद जब निकलेगा ये 680 या 710 ही करेगा। तो द वे आई सी इट, औरोबिंदो फार्मा हैज पोस्टेड अ बॉटम ऑन द मंथली चार्ट। अगर ये रिट्रेसमेंट भी है, यार आप बोलते हैं कि 50% रिट्रेसमेंट है पूरी गिरावट का, 1060 जी से लेके 400 हो चुका है, तो मतलब 1/4 तो, मतलब 1/3 तो नहीं, लेकिन काफी बड़ी गिरावट हुई है। तो अगर आप रिट्रेसमेंट गिरेंगे 50% ऑफ दिस होल फॉल, तो भी 760 तक जगह है जहाँ पे पूरा एक कंजेशन एरिया का टॉप बनता है। तो आई हैव अ फीलिंग अभी भी हेडरूम है। जी और देखिए, एक पैराडॉक्स है। सन फार्मा टोटली ऑपोजिट दिख रहा है टेक्निकल पैरामीटर्स, ये जी औरोबिंदो फार्मा टोटली अलग दिख रहा है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ मार्केट्स। जी तो इसमें किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, या इसको इन्वेस्टमेंट वाले पोर्टफोलियो में वापस डाल दिया जाए? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए थोड़ा लेट है मेरे हिसाब से, क्योंकि जी अगर 400 वाला 660, तो मतलब आप 30% के बाद आई वुड से कि आई वुड वेट अ बिट। और अगर लेना ही है तो मैं वही बोलूंगा, इंस्टॉलमेंट तरीके से लीजिएगा। अपनी मार्केट्स जी बहुत ही वोलेटाइल रहती तो है बिना मतलब फिर डाटा। ट्रेडिंग की ज्यादा गुंजाइश इसमें बन रही है, तो ट्रेडिंग के लिए ऊपर टारगेट क्या लेकर के चलना चाहिए, किसी को लेवल क्या ध्यान में रखना चाहिए, और नीचे कहाँ पे अपना रिस्क मैनेज करना चाहिए? 560 के 605 है, जी परसों ही 580 के आसपास था। 580 टूटता है जो पॉसिबल है, तो मुझे लग रहा है 560 तक आने की गुंजाइश है। तो 560 के आसपास ये कंडीशनल रहेगा। अगर ये नहीं आता है तो दूर रहिए, 560 के आसपास की एंट्री। 530 का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 680 एंड 740। जी चलिए, ये लेवल्स हैं जिनका ध्यान में रखना जरूरी है। ये वापस मैं यहाँ पर इसको डेली चार्ट पर लेकर के आया।